अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हम बना रहे हैं भिंडी की जो है रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर से खुश होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो मेरी वीडियो को देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। इन दुआओं को साथ आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। अभी सालन कौन सा बना रही हूँ। रात को तो हमने मुर्गी बनाई थी, तो वो सालन जो है रात को ख़त्म हो गया था, इसलिए अभी मैं क्या बना रही हूँ अभी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैं आज बना रही हूँ भिंडी। भिंडी बना रही हूँ और साथ में क्या है, ये देखिए प्याज काट के रखा हुआ है मैंने। प्याज और भिंडी बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज है मेरी अहल्या की जो है तबीयत सही नहीं है, सेहत सही नहीं है, इसे जो है बुखार हो गया है बहुत। दुआ जरा कर रही है, दुआ। ओ सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। और सफाई के लिए जो है आज जो है हमने जो है आग इसमें जो है जलाई है, ताकि जो है ये जो है सारा जो है जो कचरा है वो जो है जल जाए। और ये जो है मेरे भैंस का जो है बछड़ा जो मैंने आपको बताया था लेकर आया था, अब जो है कुछ ना कुछ जो है अब बेहतर हो गया है। आप देख रहे हैं आपको जो है ये कैसे लग रहा है, बहुत ही प्यारा, क्योंकि ये जो है पहले छोटा था और जो है बहुत कमज़ोर था, अब जो है ये बहुत ही अच्छा हो गया है। हैं बछड़े बकरी के और कैसे जो है ये खेल रहे हैं, तो इनसे जो है बहुत ही खेलने में जो है मज़ा आता है। घर की भी जो है सारी सफाई कर ली है हमने मुकम्मल, और जो है सुबह का टाइम है। और सुबह सुबह का टाइम है और सामने सामने आप देख रहे हैं ये गांव है, हमसे दूर है। और गंदम की जो है कटाई अभी जो है शुरू हो गई हैं। तो गंदम की जो कटाई जो है शुरू हो गई है। तो ये तो भाई लोग जो है गंदम जो है थोड़ी सी जो है कच्ची है, और ये जो है ये गंदम कच्ची का नहीं कच्ची है पूछे, बस मार कहाँ क्या लूनो। हाँ तो मालकों ने कहा है कि आप जो है इसे जो है कटाई जो है शुरू कर दें, और ये आप देख रहे हैं ये कच्ची है, आप कमेंट्स में जो है लाजमी बताएं। आप देख रहे हैं ये भाई जो है कटाई कर रहा है इस वक्त, यहाँ जो है खेती का मालिक उसने कहा कि इसे जो है इसकी जो है कटाई कर दो, पता नहीं क्यों। आप देख रहे हैं आप जो कमेंट्स में जो है लाजमी बताएं, ये देखें ये कच्ची है, अब अभी तक जो है पक्की नहीं है, ये भी कच्ची है। ये देखो भिंडी इसमें डाल दी है, घी भी डाल दिया है, अब इसमें भून लूँगी अच्छी तरह से, भून के फिर मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले, सारे मसाले डाल के तो इसमें छोड़ दूँगी दम पे, इसके आम के वो निकाल दूँगी क्योंकि ये अपने घी। ये देखो मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है, और इसमें जो पानी वगैरह था वो सब कुछ हो गया है। ये देखो अब इसमें डालूँगी मसाला, एक चम्मच मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, सूखा धनिया जो है हमारे पास नहीं है, अभी मौजूद नहीं है, मंगवाना पड़ेगा। आज के साल में बना रही हूँ,
अब 10 मिनट के बाद हमारी ये रस्सी होगी तैयार। इसमें घी ज़्यादा हो इसलिए बनती है घी से, पानी से नहीं बनती है। देखिए इसमें मैंने घी बहुत डाला हुआ है, घी में ये जाएगी। तो ये देखिए मैंने अभी ये रेसिपी तैयार कर ली है, मैंने इसको बना लिया, अब नीचे उतार भी दिया। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें मैंने आटा भी यहाँ पर रखा हुआ है, अभी आटा गूंद कर रोटियाँ बनाऊँगी। दुआ ज़रा अभी सो रही है। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज का था हमारा ये व्लॉग, अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जज़ाकअल्लाह।